हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्य करियर एकेडमी। आज हम लोग करेंगे आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन 29 अगस्त 2018 का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन। और अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिए, ताकि कोई भी नया नोटिफिकेशन या अपडेट होता आपको वीडियो मिलता रहे। और साथ साथ में टेलीग्राम का लिंक ज्वाइन कर लिए, जहाँ से आपको पीडीएफ फॉर्म मिल सकता है। नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ टेलीग्राम का लिंक। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, एडोब की सीईओ कौन है? तो शांतनु नारायण। जैसे कि आपको सीईओ का हम लोग वीडियो प्रोवाइड करा चुके हैं, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस वर्ल्ड 2018। तो मिस वर्ल्ड 2018 कौन है? मुंशी चिल्लर। बहुत आसान क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन देख लीजिए, ईईजी की बीमारी की जांच के लिए किया जाता है। देखिए ईईजी किस बीमारी के जांच के लिए किया जाता है? तो ईईजी किया जाता है ब्रेन के लिए। तो आप कमेंट सेक्शन में लिखे बताइए कि ईसीजी किस बीमारी के लिए किया जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, बिहार का गवर्नर कौन है? तो सत्यपाल मलिक, ठीक है। न्यू गवर्नर लालजी टंडन। तो इसमें जो ऑप्शन में होगा उसके अनुसार आपको इसको टिक करना होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, कर्नाटका का गवर्नर कौन है? बज्जू भाई रुद्धा भाई वाला। तो कौन है कर्नाटका के गवर्नर? बज्जू भाई रुद्धा भाई वाला। गवर्नर का और सीएम का वीडियो हम लोग ऑलरेडी आपको दे चुके हैं, तो अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो प्रीवियस पीछे जाकर वहां से वीडियो देख सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, डेल का सीईओ कौन है? ठीक है, तो डेल का सीईओ माइकल एस डेल हैं। तो इनके बारे में देख लीजिए, डेल का सीईओ आ गया, आपको एडोब का सीईओ आ गया, टीसीएस आ गया, बहुत सारा सीईओ आ गया। सीईओ का वीडियो आप जाके पीछे में एक बार देख लीजिए, उससे क्या होगा कि आपका एग्जाम में जो आने वाला है उससे आपको थोड़ा सा मदद मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट को कॉमनली क्या बोला जाता है? तो बेकिंग सोडा बोला जाता है। बैरोमीटर वाज इन्वेंटेड किसके द्वारा? बैरोमीटर इन्वेंट किया गया था, तो ये इन्वेंट किया गया था एवेंजेलिस्टा टोरसिली। इसको भी याद कर लीजिए, क्योंकि बैरोमीटर का इन्वेंशन आया है तो उसी तरह आपको इन्वेंशन पूछा जा सकता है। तो इन्वेंशन के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए, स्पाइडर का फाइलम क्या है? ये क्वेश्चन आया था। स्पाइडर का फाइलम होता है ऑर्थोपोडा। क्या होता है स्पाइडर का फाइलम क्या होता है? ऑर्थोपोडा। और ऑर्थोपोडा जो है वो सबसे बड़ा फाइलम होता है। 80% जितने भी कीड़े मकोड़े हैं सब इसी फाइलम में बिलोंग करते हैं। और जितने भी इंसेक्ट हैं, इंसेक्ट के 3 पेयर लेग होते हैं। इसको याद रखिएगा कि इंसेक्ट का 6 पेयर से ज़्यादा लेग, 6 लेग से ज़्यादा नहीं होता। 3 पेयर्स मतलब 6 लेग होता है, ठीक है। उसमें एक्सेप्शन एक दो है, उसको भी देख लीजिएगा। और अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिए, ताकि कोई भी नया नोटिफिकेशन या अपडेट होता आपको वीडियो मिलता रहे। साथ साथ में लाइक बटन भी दबा दीजिए। चलिए देखते हैं, ट्रिपल सेंचुरी मोर देन वन कौन कौन मारा है? तो देखिए ब्रेन लाला, डॉड ब्रेडमैन या फिर सहवाग, ये तीनों में से जो ऑप्शन होगा आप लोग इसको मार दीजिएगा। देखिए जामा मस्जिद कौन बनाया है, ये भी क्वेश्चन आया, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। शाहजहां, मुगल एम्परर थे शाहजहां। बिल्ट जामा मस्जिद बिटवीन 1644 से 1656 के बीच में बना था। आसान सा क्वेश्चन है, कोई भी इसका आंसर कर सकता है। देखिए मुंबई इंडियन आईपीएल टीम का ओनर कौन है? देखिए आईपीएल टीम के ओनर का अगर आप प्रीवियस वीडियो देखे होंगे तो सारा जितने भी टीम के ओनर हैं सबको हम बता चुके हैं पहले भी। तो मुंबई आईपीएल टीम के ओनर नीता अंबानी, जिसे मुकेश अंबानी का ये टीम है मगर नीता अंबानी उसकी ओनर है। चलिए देखते हैं, वेयर इज एंडीज माउंटेन लोकेटेड? एंडीज माउंटेन कहाँ पर है? साउथ अफ्रीका में। तो अब आप लोग बताइए कि माउंट एवरेस्ट कहाँ पर लोकेटेड है? इसका आंसर आप लोग कॉमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, बहुत लोग को नहीं पता होगा। मिस यूनिवर्स 2017 कौन है? तो डीमी ले नेल पीटर, ठीक है, ये साउथ अफ्रीका की रहने वाली हैं। तो इसको भी याद कर लीजिए, मिस यूनिवर्स 2017 पूछ लिया गया। तो देखिए मिस यूनिवर्स अगर 2017 पूछा गया है तो मिस वर्ल्ड भी 2017 का आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। चलिए देखिए, वेन इज ओलंपिक डे सेलिब्रेटेड? ओलंपिक डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 23 जून को किया जाता है। तो 23 जून ही सेलिब्रेटेड एज द ओलंपिक डे। वेयर इज खजुराहो ग्रुप ऑफ मोनूमेंट्स? खजुराहो ग्रुप ऑफ मोनूमेंट्स कहाँ पर है? तो ये है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, अंडमान एंड निकोबार का आइलैंड कैपिटल कौन सा है? पोर्ट ब्लेयर है। और फ्लोटिंग मार्केट इज लोकेटेड कहाँ पर है? फ्लोटिंग मार्केट कहाँ लोकेटेड है? कोलकाता में। क्वेश्चन था, वेन Al2 एंड O3 इज एडेड व्हाट विल बी द केमिकल फार्मूला? जब देखिए Al2 और O3 को हम लोग ऐड करेंगे तो उसका केमिकल फार्मूला क्या होगा? तो उसका केमिकल फार्मूला हो जाएगा Al2O3, जिसको बोलते हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आए हैं। और आपको जैसे H2O और O2 को जोड़ेंगे तो पानी होता है, H2 और O2 को, तो उसी तरह Al2O3 को। सल्फ्यूरिक एसिड का देख लीजिएगा, उसी तरह के बेकिंग सोडा का NaHCO3,
NaCl को जोड़ेंगे, Na प्लस और Cl माइनस को जोड़ेंगे तो उसका केमिकल नेम क्या होगा, ये केमिकल फार्मूला क्या होगा, तो इस टाइप से आपको केमिकल फार्मूला देख के जाना पड़ेगा। चलिए देखते हैं, पीरियोडिक टेबल से दो क्वेश्चन आया है। तो सबसे पहला पीरियोडिक टेबल से एक क्वेश्चन आया है नोबल गैस से कहीं पर किसी शिफ्ट में, और दूसरा क्वेश्चन आया है कि न्यूलैंड में कितने एलिमेंट थे। तो जो लोग 9 या 10 तारीख का पेपर देखे होंगे, वीडियो देखे होंगे, वो आराम से इसका आंसर कर सकते हैं कि न्यूलैंड सबसे पहली बार कितने एलिमेंट्स का पीरियोडिक टेबल बनाए थे। तो न्यूलैंड एटॉमिक मास पर पीरियोडिक टेबल बनाए थे और मेंडेलीव एटॉमिक नंबर पर पीरियोडिक टेबल बनाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन था विटामिन डी का केमिकल फार्मूला क्या होता है, कैल्सीफिरोल होता है। तो आपको विटामिन ए बी सारा का हम पहले भी वीडियो प्रोवाइड करा चुके हैं, मतलब इन द सेंस कि क्वेश्चन आ चुका है, तो वहाँ पर आपको बताए थे कि विटामिन ए को रिटानॉल, विटामिन बी वन को थायमिन, बी टू को राइबोफ्लेमिन, इसी तरह बी सेवन को बायोटीन। तो आज विटामिन डी पूछा गया है, तो वो भी आपको जल्द ही किसी न किसी अलग में पूछा जा सकता है। वेयर इज टेस्टिस लोकेटेड, तो टेस्टिस कहाँ पर लोकेटेड होता है, टेस्टिस में लोकेटेड होता है स्क्रोटम में, ठीक है। और ये देखिए एक चीज़ और आपको, ये मेल प्रोड्यूसिंग ऑर्गन है, ये इसमें कौन सा हार्मोन बनता है, टेस्टोरोन बनता है, इसका याद रखिएगा। और ओवरी जो ओवम होता है वो कहाँ पर लोकेटेड होता है, फीमेल में लोकेटेड होता है, उससे इस्ट्रोजन बनता है, वो भी आप लोग ध्यान। चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो।